So my dear students, good morning to all of you. Today we are going to discuss about chapter number 3, matrices, miscellaneous exercise solution. In the previous lecture we have told the question number 5 of miscellaneous exercise solution. Today we are going to discuss from question number 6 to question number last this solution. Clear? Let us start the solution of question number 6. Find the value of x, y, z if a is equal to 0 to y, z, x, y minus z, x minus y, z. Satisfy the equation a dash a is equal to I. Then we put a dash a is equal to I. Hum a dash a ki value yahan pe put karenge aur equate karenge I se. Equate karne ke baad x, y, z ki value find karenge. Theek hai? तो स्टार्ट करते हैं ए डैश ए. तो फर्स्ट वी फाइंड ए डैश. तो ए डैश इज इक्वल टू ए डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स मैंने आपको डिस्कस कराया था. क्या करते हैं कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करते हैं. ठीक है, जीरो टू आई जेड, सेकेंड रो एक्स, उसको सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे, एक्स वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई जेड. क्लियर? ए आ गया, ए डैश आ गया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए डैश एंड ए. ठीक है, ए डैश इज इक्वल टू जीरो एक्स एक्स एंड टू आई वाई माइनस जेड जेड. ए ए डैश हो गया. ए इज इक्वल टू जीरो टू आई जेड एक्स वाई माइनस जेड x माइनस वाई जेड इज इक्वल टू i. i इज द आइडेंटिटी, इज द ऑर्डर ऑफ 3x3, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर? तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं आप इसका. तो दिस इज 3x3 एंड दिस आल्सो 3x3, तो ये एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 0 × 0 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर. क्लियर? नेक्स्ट दिस रो का मल्टीप्लाई, मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो जाएगा जे जीरो प्लस प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई. क्लियर? एंड दिस रो का मल्टीप्लाई लास्ट कॉलम में, देन जीरो एंड एक्स जेड माइनस एक्स जेड एंड प्लस एक्स जेड. क्लियर? ठीक है, एंड अब सेकेंड कॉलम का फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में जीरो वाई एक्स एंड लास्ट माइनस, सॉरी वाई एक्स रहेगा यहाँ पे, वाई एक्स लास्ट माइनस वाई एक्स. फिर अब ये इक्वल हो जाएगा इसके, देन टू आई इंटू टू आई, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में टू आई इंटू टू आई मीन्स फोर वाई स्क्वायर, फिर वाई इंटू वाई मीन्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी माइनस वाई इंटू माइनस वाई मीन्स प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर सेकेंड रो इंटू थर्ड कॉलम टू आई इंटू जेड मीन्स टू वाई जेड. क्लियर? वाई इंटू जेड मीन्स माइनस वाई जेड एंड लास्ट वाई जेड इंटू वाई जेड मीन्स माइनस वाई जेड. लास्ट थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में जेड इंटू जीरो मीन्स जीरो, माइनस जेड इंटू एक्स मीन्स माइनस जेड एक्स एंड जेड इंटू एक्स मीन्स प्लस जेड एक्स. क्लियर? सेकेंड, सॉरी थर्ड रो का सेकेंड कॉलम में जेड इंटू एक्स मीन्स टू वाई जेड, जेड इंटू वाई मीन्स माइनस जेड वाई, जेड इंटू वाई मीन्स माइनस जेड वाई. क्लियर? थर्ड रो का थर्ड कॉलम में जेड इंटू जेड में जेड स्क्वायर, माइनस जेड इंटू माइनस जेड में प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड इंटू जेड में प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1. क्लियर? तो यहाँ पे देखो कुछ कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई एक्स वाई से कैंसिल, एक्स जेड से कैंसिल हो जाएगा, वाई एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वाई जेड टू वाई जेड टू जेड वाई जेड कैंसिल, जेड एक्स से कैंसिल, जेड वाई टू जेड वाई कैंसिल,
जेड स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल ही हो, ठीक है। तो इक्वेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड की इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर मीन्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू हैव वन, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू, क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स। नेक्स्ट इक्वेट करेंगे सेकेंड वाई स्क्वायर को, देन फोर वन फाइव वन सिक्स मीन्स सिक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई सिक्स इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट सिक्स, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। एंड लास्ट जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर मीन्स थ्री जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन, देन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई रूट थ्री विथ प्लस माइनस, क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड, क्लियर। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करें, ठीक है। प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेवन स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन वन टू वन वन टू जीरो टू जीरो वन वन जीरो टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ओ, क्लियर। तो ऐसे मल्टीप्लाई करना है इसका। तो पहले यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन नहीं। तो दिस इज थ्री क्रॉस वन एंड दिस इज थ्री क्रॉस थ्री, दिस इज वन क्रॉस थ्री एंड दिस इज थ्री क्रॉस वन, क्लियर। देखो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है तो पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर लास्ट में इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है। दिस इज वन क्रॉस थ्री एंड दिस इज थ्री क्रॉस थ्री, क्लियर। फिर मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो वन क्रॉस थ्री एंड थ्री क्रॉस थ्री, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, तो वन क्रॉस थ्री की मैट्रिक्स होगी, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में दे जाएगा वन वन सार वन टू टू सार फोर वन वन सार वन, ठीक है। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में तो टू वन सार टू जीरो जीरो, ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में जीरो जाएगा प्लस टू, ठीक है। लास्ट जीरो टू एक्स थ्री वन एंड दिस इज वन थ्री, हो जाएगा सिक्स टू फोर वन थ्री एंड ज़ीरो टू एक्स हो जाएगा थ्री वन, ठीक है। थ्री थ्री इक्वल वन क्रॉस वन में एक मैट्रिक्स हो जाएगी, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई ऐसे हो जाएगा, तो सॉरी वन क्रॉस वन है ना, तो छोटी मैट्रिक्स हो जाएगा अभी। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, तो ज़ीरो सिक्स आर ज़ीरो प्लस टू टू सार फोर एंड सॉरी इक्वल टू ओ है ना, अब टू टू सर फोर एंड फोर एन टू एक्स मिस फोर एक्स इज इक्वल टू ओ मिस जीरो कर लेते इसको। फोर इक्वेटिंग बोथ साइड फोर प्लस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब इसका इक्वल साइन इधर से हटा लेंगे, इज इक्वल टू फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस फोर, देन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, दिस इज आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट, इफ ए इज इक्वल टू थ्री वन माइनस वन टू शो दैट ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा इक्वेशन है ए इंटू ए, ए इंटू ए माइनस फाइव ए प्लस सेवन आई इज इक्वल टू वो करना ना इसका लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। ए ए मिस थ्री वन माइनस वन टू थ्री वन माइनस वन टू माइनस फाइव ए, फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थ्री सार फिफ्टीन फाइव वन सार फाइव फाइव वन सार माइनस फाइव फाइव टू सार टेन प्लस सेवन आई, सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई मिस आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाई सेवन, तो सेवन जीरो जीरो सेवन, क्लियर। ये मल्टीप्लाई कर लेंगे इसमें हम, तो मल्टीप्लाई क्या आएगा इसमें, तो थ्री थ्री सार नाइन वन वन सार वन थ्री 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 वन सार थ्री वन टू सार टू माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम है, लास्ट सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम है माइनस वन एंड प्लस टू, ठीक है। एड इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे जाएगा हाँ माइनस फिफ्टीन प्लस सेवन क्या आएगा प्लस कर लेते हैं इसको, चलिए इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, पहले इसको ऐड कर लेंगे फिर उसके बाद लास्ट में माइनस करेंगे। फिफ्टीन फाइव माइनस फाइव टेन लास्ट में प्लस
7007. Clear? 7, sorry, 9 minus 1, 8, 5 minus 5, and 2 minus 1, 1, minus 15, 5 minus 5, 10, plus 7007. Clear? First, we add both are positive. 8, 7, 15, 5, 0, 5. Minus 5, 0, minus 5, 1, 7, 8. Clear? Minus 15, 5, minus 5, 10. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 15, 5, माइनस 5, ये 8 आ जा रहा है. 8 यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना. एंड माइनस 1, 1, 1 सर माइनस 1, 2, 2 सर 4 हो जाएगा. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2, 2 सर 4 हो जाएगा. यहाँ पे 4 होगा. 4 माइनस 1 हो जाएगा 3. क्लियर? 3, 3, 7, 10. 10 माइनस 10 इक्वल टू 0. 0, 0, 0, 0. तो इसको हम कर सकते हैं 0. ठीक है? देन हैंस रूट. क्लियर? एंड प्लीज वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई जेड विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स. ठीक है? 3 प्रोडक्ट्स कोई मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस है, वो लॉन्च करते हैं एक्स वाई जेड. ठीक है? तो वो मार्केट्स में, दो टाइप्स का मार्केट है, फर्स्ट सेकेंड, तीनों में लॉन्च करे. ठीक है? तो फर्स्ट प्रोडक्ट्स है, एनुअल सेल्स आर इंडिकेटेड बिलो. ठीक है? फर्स्ट मार्केट में प्रोडक्ट्स एक्स 10,000, वाई 2,000, डेट 18,000. सेकेंड मार्केट्स में प्रोडक्ट एक्स 6,000, वाई 20,000 एंड जेड 8,000. क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं. ए नंबर, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर, यूनिट सेल प्राइस मीन्स एक प्राइस, एक यूनिट सेल प्राइस का मतलब होता है वन सेल प्राइस. ठीक है? आप एक्स वाई जेड, तो यूनिट सेल प्राइस जो है एक्स का 2.5 रुपीस, वाई का 1.5 रुपीस एंड जेड का 1 रुपीस है. तो फाइंड द रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ द मैट्रिक्स अलजेब्रा. मैट्रिक्स अलजेब्रा के हेल्प से क्या करना हमको, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट. ठीक है? ईच मार्केट में टोटल रेवेन्यू बताना. ठीक है? सेल प्राइस कितना होगा ईच मार्केट का, वो बताना. ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, यूनिट कॉस्ट प्राइस क्या है. फर्स्ट में सेल प्राइस फाइंड करना था, सेकंड में कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक्स वाई जेड आर 21.5 रुपीज 50 पैसे में, तो इसको मैंने रुपीज में चेंज कर लिया है. पैसे रिस्पेक्टिवली फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट. तो ग्रॉस प्रॉफिट में से होता है ग्रैंड प्रॉफिट, में टोटल प्रॉफिट क्या होगा. तो पहले हम टोटल सेल प्राइस फाइंड कर लेंगे, फिर टोटल कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्रॉफिट प्राइस फाइंड कर लेंगे, फिर ग्रैंड प्रॉफिट के लिए फार्मूला टोटल सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस. ठीक है? तो पहले इतना काम करेंगे. ठीक है? तो मैट्रिक्स अलजेब्रा के लिए आप काम करेंगे यही कि जैसे जनरली अगर यूज़ करना, पहले मैट्रिक्स में कोई भी अगर वर्ड प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप गैस करोगे, सॉरी कैसे आप उसको सॉल्व करते हो. पहले तो ये होता है ना कि आप उसको जनरली सॉल्व करते हैं. जनरली कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो वैल्यू है आप देखेंगे, चेक करेंगे कि फर्स्ट जैसे यूनिट प्राइस एक्स का मालूम है और 2.50 यूनिट का इतना है, तो 10,000 को हाइपर ने आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे, चलो समथिंग कोई वैल्यू आ गई, कोई वैल्यू आ गई. फिर वाई के लिए सिमिलरली 1.50 मल्टीप्लाइज बाई दिस, फिर जेड के लिए 1 मल्टीप्लाई बाई दिस, फिर ओवरऑल आप सबको ऐड कर लेंगे. ठीक है? ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल क्या आएगा, ये कोई वैल्यू देगा, वैल्यू मीन्स 1 × 1. ठीक है? ये 10,000, 2,000, 18,000 हो गया. दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, दिस इज दिस मल्टीप्लाई बाई दिस एंड दिस दिस, सबको ऐड कर लेंगे तो कोई एक नंबर आएगा. दो नंबर, वो नंबर जो होगा 1 × 1 में एक मैट्रिक्स होगा. ठीक है? सिमिलरली दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, वो भी 1 × 1 में होगा. तो अब आपको ये करना है, तो ये 2 × 2 तो एक मैट्रिक्स हो जाएगी. तो ये मैट्रिक्स आपकी है 2 × 3.
और 1x1 में आपको एक मैट्रिक्स फाइंड करना, ठीक है। 1x1 में नहीं फाइंड करना है, तो जैसे एक यहाँ पे नंबर मिलेगा फर्स्ट मार्केट के लिए और सेकंड मार्केट के लिए एक नंबर मिलेगा यहाँ पे, तो फर्स्ट रो सेकंड रो में 2x1, तो 2x1 में एक आपको मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो 2x1 में एक मैट्रिक्स मिलने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल हो जाएगा 3x1 में एक आप मैट्रिक्स इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x1 में एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो फर्स्ट का सोल्यूशन हम फाइंड कर लें, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 10,000 एंड 18,000, 6,000 मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट्स, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है 20,000 एंड 8,000, दिस इज 2x3 एंड बी इज इक्वल टू 3x1 में, तो 3x1 में हो जाएगा 2.50 एंड 1.00, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप फाइंड करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। ए बी टेन थाउजेंड 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.50, 1.50, 1.00, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा। देन ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज सेल प्राइस है, ठीक है। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, ठीक है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 2.50, तो ये टू डिजिट पे पॉइंट है, तो 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है, ये जाएगा आपका 250, ठीक है, जाएगा 25,000, ठीक है, तो जाएगा प्लस 2x1 में होगा ना स्टूडेंट्स, तो पहले चेक कर लेते हैं आपके इसको, दिस इज 2x3 एंड दिस इज 1x3, सॉरी 3x1 कैंसिल जाएगा, 2x3 में जाएगा, मीन्स 2 रो 1 कॉलम जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, अब इसका मल्टीप्लाई जाएगा 1.5 में, तो 0.2 पॉइंट है, ये कैंसिल जाएगा 20 इंटू 150, मीन्स 150 इंटू 20, 15 टू 30 एंड 20, 3000 प्लस 3000 जाएगा, फिर 18 यहाँ पे जाएगा 18,000 सीधे से लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 1 है, 18,000 जाएगा। नेक्स्ट लाइन सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई, तो 6000 मल्टीप्लाई 250, टू डिजिट पॉइंट, या 0 कैंसिल आएगा, 60 इंटू 250, तो 25 6 150 होता है यहाँ पे, 20 तो जाएगा 15,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 150, टू डिजिट पे पॉइंट यहाँ पे 0 कैंसिल, 200 मल्टीप्लाइड बाई 150, तो 15 2 30 20 ये मिलकर 30 जाएगा, 30 प्लस 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 ये जाएगा 8,000, ठीक है। अब दीज आर एड्स, इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे जब यहाँ पे तो क्या बच जाएगा, ऐड करेंगे जाएगा 18 प्लस 3 मीन्स 21 एंड 25 46 मीन्स 46,000 एंड 30 एंड 45 मीन्स 45 एंड 8 53,
मिस हो जाएगा 53,000। क्लियर, ये हो गया फर्स्ट मार्केट का सेल प्राइस जो होगा 46,000 है एंड सेकंड मार्केट का सेल प्राइस 53,000 है। क्लियर, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ईस्ट टोटल इन ईस्ट में आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ द एक्स वाई जेड आर दिस, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आप इसका निकालेंगे क्या कॉस्ट प्राइस, तो ऐसा कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे सेकंड क्वेश्चन के लिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट था, फर्स्ट तो यहाँ पे भी आप फाइंड कर लेंगे ए और इसको गेस कर लेंगे सी। अब ठीक है, ए सी यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए सी डायरेक्टली ए सी लिख दे रहे हैं 10,000 2,000 18,000 6,000 20,000 8,000 मल्टीप्लाइड बाय सी। सी की वैल्यू हम देखो 21.5 दे रहे हैं, 21.5। ठीक है, इतना कर दे रहे। अब ए सी फाइंड करेंगे तो ये ईच मार्केट का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 2 मीन्स 20,000 प्लस 2,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स 2,000 प्लस देखो यहाँ पे पॉइंट 2 डिजिट पे पॉइंट है तो यहाँ पे कैंसिल 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 180 मल्टीप्लाइड बाई 50 18 फाइव सर 90 एंड 20 मीन्स 9,000। क्लियर, नेक्स्ट लाइन 6,000 मल्टीप्लाइज बाई 2 मीन्स 12,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाइड बाई 1 मीन्स 20,000 प्लस 8,000 मल्टीप्लाइज 0.5 मीन्स 8। ओके, पर 2 डिजिट 20 कैंसिल हो जाएगा 80 इंटू 50 तो 85 सर 40 और 20। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे जब हम लोग, ऐड करने पर जाएगा 20 और 9 टू 11 हो जाएगा एंड 20 वन थ्री टू वन थ्री 31,000 हो जाएगा ये 12 फोर 16 एंड 20 मिस 36 ही हो जाएगा 36,000 जी आपको हो जाएगा। दिस इज टू क्रॉस टू, तो ये सी पी हो गया आपका मिस कॉस्ट प्राइस, ये एस पी हो जाएगा मिस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस आप गया। अब आपका पूछ रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, तो ग्रॉस ग्रॉस मीन्स ग्रैंड एक ही बात होती है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल टोटल सेल प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो टोटल सीपी क्या है, इसको ऐड कर लो 0,0,0 ऐड करेंगे 639 एंड 459 99,000 सेल प्राइस है, दोनों मार्केट का पूछ रहा है ये ग्रैंड है, माइनस कास्ट प्राइस यहाँ पे क्या 0,0,0 कर लेंगे एंड 617,336 इसको माइनस कर लेते हैं 0,0,0 9 से 7 माइनस करेंगे 2 एंड 96 माइनस करेंगे 3। ठीक है, दिस इज आवर आंसर 32,000। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट वन बाई वन अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है वन बाई वन अगर, तो आप फर्स्ट का फाइंड कर सकते हो, फर्स्ट मार्केट प्रॉफिट, तो फर्स्ट मार्केट प्रॉफिट के लिए एस पी माइनस सी पी, फर्स्ट का एस पी कितना है 46 माइनस सी पी कितना है इसका है 31, तो इसको जाएगा 0,0,0,6 माइनस 1,5। ठीक है, एंड सिमिलरली फाइंड सेकेंड, तो सेकेंड हो जाएगा आपके लिए, सेकेंड हो जाएगा एस पी माइनस सी पी कर लेंगे 53,000 माइनस 36,000। ठीक है, तो 0,0,0,3 30 माइनस 6,7,1। ठीक है, तो ऐसा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट्स, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इज इक्वल, सॉरी एक्स
1, 2, 3, 4, 5, 6 is equal to -7, -8, -9, 2, 4, 6 क्लियर। एक्स मैट्रिक्स आपको फाइंड करना था, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये 1, 2, 2 रो एंड 3 का 2×3 है और ये भी आपकी 2×3 है, ठीक है। तो फर्स्ट ये तो आप ये जान लीजिए कि x ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक्स मैट्रिक्स है इसमें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितना है 2, तो यहाँ जो x का जो ऑर्डर आएगा क्रॉस में जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो क्रॉस 2 में ही होगा, ठीक है। और ओवरऑल जो देखा जाए, ओवरऑल की अगर बात की जाए मैट्रिक्स की, तो वो क्या है 2×3 है, तभी तो कंपेयर करेंगे आप, 2×3 है, तो ये नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा, और ये ओवरऑल 2×3 है तो इज इक्वल 2×2, तो एक्स इज इक्वल 2×2 की एक मैट्रिक्स आपको एज्यूम कर लेनी होगी, देन एक्स इज इक्वल टू आप कर लीजिएगा ए बी सी डी करके इसको मल्टीप्लाई करके बहुत साइड से कंपेयर कर लीजिएगा, ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन प्रूव दैट बाई इंडक्शन दैट ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी एन बी पावर एन ए, फॉर द प्रूव दैट ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए पावर एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स इन कैपिटल एन, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट मैं एक प्रूफ कर रहा हूँ, सेकंड आप प्रूफ कर लीजिएगा प्लीज़, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखो मैं एक प्रूफ कर दे रहा हूँ, पी एम आई से प्रूफ करना है इसको, पुट एन इज इक्वल टू 1, तो एन को 1 से पुट करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो इम्प्लाइज दैट पी वन इज प्रूव्ड, या पी वन प्रूव्ड कर लो कोई बात नहीं। सेकेंड पुट एन इज इक्वल टू के, देयरफॉर ए बी पावर के इज इक्वल टू बी पावर के ए, क्वेश्चन नंबर 1, पुट एन इज इक्वल टू के प्लस 1, वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू सॉरी ए बी पावर के प्लस 1 बराबर बी पावर के प्लस 1 ए, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ए, एल एच एस सॉल्व करते हैं इसमें हम, ए सॉरी ए बी पावर के इंटू बी, ठीक है। तो ए बी पावर के की वैल्यू यहाँ पे है बी पावर के ए, तो इन की वैल्यू क्या है बी पावर के ए, तो ये जाएगा बी पावर के ए बी, ठीक है। देन बी पावर के ए बी, ए बी इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए, देन ए बी इज इक्वल टू बी ए, देयरफॉर ए बी तो ये हो जाएगा आपका बी पावर के प्लस 1 ए, ठीक है। तो बी पावर के प्लस 1 आपको लेके आना है, हैंस प्रूफ, ठीक है। सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो ए बी पावर एन इज इक्वल टू बी पावर एन ए पावर एन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी एंड हुई, समाप्त हुई। 13 क्वेश्चन मिसलेनियस में ऑब्जेक्टिव है, इफ ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, तो बहुत ही ईजी है, इसको सॉल्व करिएगा, इजी क्वेश्चन है, 13 भी है, 14 है, मिस इफ द मैट्रिक्स ए इज द बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, ये तो नल मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, मीन जीरो मैट्रिक्स है। 15 भी कंडीशनल है, तो सॉल्व करिएगा प्लीज़, अगर नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे, थैंक्स।